सुधांशु त्रिवेदी ने बॉलीवुड की धज्जियां उड़ा दी, बेचारा बॉलीवुड। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। हमारे जो दूसरे दो चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, उनके लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज सेकंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कई बार कही 1970 के बाद से एक पिछले 50 साल की मूवी बताइएगा जिसमें भगवा वस्त्रधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। भगवा वस्त्रधारी छोड़िए, कंठी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। भाषाई आधार पर मैं कहता हूं शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलन होगा या कॉमेडियन होगा। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी तरफ। नहीं, क्या सच्ची में नहीं गया? जैसे ये बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी, शायद आपने उसमें कभी वीडियो देखा हो, विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया, बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी ना जिसका गाना था प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम काम श्री गणेश करें। इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी, मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृत निष्ठ भाषा बोलना, कॉमेडी का पात्र श्री गणेश करें। इब्तिदा इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, अच्छा गाना था। अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू के वर्ड आए तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए उर्दू। जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। क्यों भाई ऐसी शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। ये सब हमारे दिमागों में भरा गया। और ये मैं आपसे कैसे बताना चाहता हूं, इसको कभी आप गौर करिएगा, 57 की मूवी है मदर इंडिया, उसका जो विलन है कन्हैया लाल, जो फिल्म में सुखी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस रेप अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देवी जी की आरती कर रहा है। ओ अच्छा। 1985 की मूवी है रामकेरी गंगा वैली, सही चल रहा है। उसमें जब वो हीरोइन जाती है और बनारस के घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है मदद, तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हैं। 2010 की मूवी है दबंग, जिसका विलन है छेदी सिंह, वो जब चुलबुल पांडे को मारने का हुक्म देता है तो उससे पहले हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। कभी आपने सोचा कि एजेंडा क्या था और कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा जा रहा है? हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कभी। और कैसे हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है और भाषा से अंतर क्या पड़ता है। जैसे आप सबने ये बात सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना है ना, विच इज नॉट ओके। और इसका जब अनुवाद करते हैं तो जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। एक इंग्लिश है, एक उर्दू है, पर किसी संस्कृत हिंदी या भारतीय भाषा में आपने सुना है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित है? नहीं। कभी नहीं सुना होगा, नहीं। क्योंकि हमारी संस्कृति में उचित नहीं है। बहुत अच्छा बोला है। युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक समर्पण है, होता भी नहीं है। Everything is अगर आप ये कह देंगे जो कहते थे एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वार, तो आतंकवाद भी होने लगा, क्योंकि फिर वो भी जायज है, और जो कहते हैं कि लव में सब कुछ जायज है, स्टेटमेंट ही गलत है, भी फेंका जाने लगा। इसलिए जब आप भाषा छोड़ते हैं तो आप वो संस्कृति छोड़ते हैं और वो आपके मानस पर कैसा प्रभाव डालती है आपको पता ही नहीं लगता। इसीलिए मैं कहता हूं फिल्मों में पहले उर्दू मिक्स हिंदी बोलता था कोई नायक, अब जो है इंग्लिश मिक्स हिंदी बोलने लगा। तो रावण कई प्रकार से आ रहा है, वो लेफ्ट लिबरल बन के भी आ रहा है और वो बनकर, और देखिए कितनी मजेदार बात है, महिला एक्टिविस्ट जो लेफ्ट लिबरल थी, जो मिनी स्कर्ट पहनने को लेकर तो बहुत आक्रामक हो जाती थी और वही हिजाब के साथ खड़ी थी बुरके के साथ, मतलब इससे बड़ा आप डाइकोटोमी ऑफ द करेक्टर नहीं देख सकते। और इतना ही नहीं, वो ट्रिपल तलाक और हलाला के भी पक्ष में खड़ी हुई थी। इससे ज्यादा आप मजाक क्या समझ सकते हैं कि इसका मतलब उनका किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं था किसी भी चीज से, केवल उनको एक धर्म संस्कृति के बारे में बात करे वो करनी थी। इसलिए मैं कहता हूं उस रावण को समझिए भली भांति और उसका प्रतिकार करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि देखिए और अपनी लक्ष्मण की मर्यादा रेखा न लांघिए, क्योंकि रावण आजकल जानते किस रूप में आ रहा है कि वेश वाणी तत्व दर्शन। कभी बैंकॉक में जाइए तो जो थाईलैंड के राजा का पुराना महल दिखाया जाता है उसके चारों तरफ 256 गरुड़ बने हैं, और गाइड से पूछिए गरुड़ क्यों बने हैं, तो कहता है इन अवर कल्चर किंग इज कंसीडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु एंड सिंस गरुड़ इज द व्हीकल ऑफ विष्णु सो एंटायर पैलेस इज डिजाइंड इन सच ए वे एज इफ इट इज सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ गरुड़। आप बताइए ये हमारा विस्तार। और इतना ही नहीं,
और इतना ही नहीं है, स्पेस में हम इस धरती तक सीमित नहीं है, हम वो पहली संस्कृति हैं जिसने तारों की भाषा दुनिया को सिखाई, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने आकाश से गंगा निकाली और जिसने सागर पर सेतु बनाया। मैं तो यह भी पूछना चाहता हूं मेरे भाई, वैसे तो वो आपके अज्ञान के कारण कल्पना लगती, जैसे बहुत सी चीजें विज्ञान की आज से 100-150 साल पहले कल्पना लगती थी, पर उनसे पूछ लो कि भाई ऐसी कल्पना भी तुम क्यों नहीं कर पाए, उसके लिए भी तो इतनी विराट दृष्टि चाहिए कि आप आकाश गंगा तक सोच सके। तो इससे आप समझिए कि स्पेस में हमारा विस्तार कहां तक था, अब टाइम पे आई गणित की जो खोज है। वैसे तो बहुत सारी चीजें थी जो अंग्रेजों के आने के बाद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ये सारी चीजें, मगर एक ऐसी चीज है जो कमोबेश सभी लोग मानते हैं, चलो ये तो मान ही लेते हैं कि भारत ने दिया, वो क्या था? शून्य। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। अगर आर्यभट्ट ने शून्य खोजा तो बौद्ध मत में शून्यवाद का सिद्धांत कहां से आया? वो तो आर्यभट्ट से पहले के थे। और ये बताइए, कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला और वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे कि धर्म ग्रंथ से निकलता है, इसलिए उनको छटपटाहट थी, इसलिए वो कहने का प्रयास करते हैं किसी और ने निकाला था। और समस्या क्या है, हमारे यहां तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई। अब बताइए, वैसे तो मैं नहीं मानता कि वो डेट सही है, उसको उसके अंदर नक्षत्रों का कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत पीछे आएगा, परंतु बताइए उन लोगों ने हमको समझा दिया कि हम अवैज्ञानिक हैं और हम अंधविश्वासी हैं, जिनमें किसी एक के यहाँ लिखा है कि धरती चपटी है और एक के में लिखा धरती चारों तरफ सूरज घूमता है। और ऐसे महान ज्ञानदेव पाड़े लोगों ने हम लोगों को समझा दिया कि हम अनसाइंटिफिक थे और धरती को चपटी और धरती को इस सौरमंडल का केंद्र कहने वाले लोग वैज्ञानिक थे। आज भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है आप वो लोग मानते थे, मगर उन्होंने रिफ्यूट किया। नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना, 1950 से पहले नासा नहीं था। आप जाके पूछिए गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से, कहिए पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है, और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? हमारा तो कैलकुलेशन 5400 साल से एज इट इज चला आ रहा है, और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं। आज भी आप बताइए, उत्तर भारत में उतना नहीं दिखता, दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, नवग्रह बने हैं तो सूर्य केंद्र में है कि धरती केंद्र में है? सूर्य के 7 किरणें होती हैं, 7 घोड़े सूर्य के बने हैं कि नहीं मंदिरों में? अब बताइए, ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया जाता है। हम सब ने, जिसने भी, हम लोगों ने भी विज्ञान में पढ़ा कि सबसे पहले 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी ना कभी कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि कैपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवंतु। अब ये 9 ग्रहों के नाम कैपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं और हजारों साल से बता रहे हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि मंगल के लिए भूमिसुत यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है। या अब जाके साइंस ने यह कन्फर किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था, वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया और भूमिसुत हमारे यहां लिखा हुआ मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन भूमिसुत जैसे शब्द है। अब आप देखिए क्या वैज्ञानिकता है और कैसे उसको इसमें सम्मिलित किया गया। मैंने क्यों बताया, हमारे यहां विज्ञान और धर्म इस कदर एक मत है कि ये उनकी बुद्धि परप्लेक्स्ड हो जाती है कि कैसे हो सकता है। अब मैं शून्य पे आता हूं, हमने शून्य खोजा, मगर महत्वपूर्ण बात है हमने शून्य क्यों खोजा, हम शून्य खोजने में सफल क्यों हुए और वो क्यों नहीं सफल हो पाए? बड़ी बड़ी दुनिया की सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ग्रीस की सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, टर्किश एम्पायर, इंका, माया, एस्टेक, कोई जीरो नहीं खोज पाया। उसका कारण यह है
कि जो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो शून्य का महत्व समझते हैं। किसी संख्या को आप जितने से डिवाइड करते हैं, x डिवाइडेड बाई n जो उसका रिजल्टेंट होता है, जैसे आप n की वैल्यू कम करते चले जाते हैं रिजल्टेंट बढ़ता जाता है। यानी किसी संख्या को x बटे 20 से x बटे 10 का मान ज्यादा होगा, x बटे 5 उससे ज्यादा होगा, x बटे 4, 3, 2 और जब x डिवाइडेड बाई 1 होगा तो क्या होगा, x हो जाएगा। इसका मीनिंग जानते क्या है? अब मैं आपको बताता हूं ये किस ढंग से हमारे व्यवहारिक जीवन और चेतना का हिस्सा था। आप लोग कभी ये सोचिए कि आपको जीवन में क्या अच्छा लगता है और अच्छा लगना क्या है। मैं बिल्कुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज 21वीं सदी की जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में हुई है, जो हिग्स बोसॉन है जिसे नॉर्मल भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में जाइए तो तांडव करते हुए शिव की मूर्ति लगी है, नटराज की वह मूर्ति जो तंजावुर में प्राप्त हुई थी, और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्ज़े कैपरा का कोट लिखा हुआ है जिसने बड़ी फेमस किताब लिखी थी द टाओ ऑफ फिजिक्स, अगर आप लोगों ने वो सुना, इसको नाम सुना हो, उसमें वो कहता है क्यों लगी है वहां पे भगवान शिव की मूर्ति। उसने कहा बिकॉज द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। राम काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे और आज वाल्मीकि समाज किस कैटेगरी में माना जाता है, शेड्यूल कास्ट में। और हमने कहा रावण क्या था, ब्राह्मण। तो फैक्ट यह है कि ब्राह्मणिकल नैरेटिव रावण के साथ है और दलित नैरेटिव राम के साथ है, जो है उसका उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद वो चुप हो गए। देखिए जो सत्य है और उसको कैसे पलटने का प्रयास किया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी, महर्षि वेदव्यास की माता मछुआरिन थी। यह समुदाय कुछ राज्यों में अति पिछड़े में है, कुछ राज्यों में 80 में। वेदव्यास 18 पुराण उन्होंने लिखे, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने पूरी रामकथा लिखी, ओनली द एंशियंट कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशंस ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशंस बिकॉज दे वेंट टू द बिलियंस। और आज हम मानते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर है अर्थ की आयु, 1.97 बिलियन हमारे यहां मानी गई। कार्ल सेगन कहता अदर्स वर नॉट एबल टू इवन रीच 100,000 एंड हिंदूज हैव कैलकुलेटेड अप टू बिलियंस। तो अब ये एक वैज्ञानिक कह रहा है कि हमारा टाइम में कितना लंबा व्याप है और स्पेस में कितना लंबा व्याप है। तो आपको यह समझना चाहिए कि जैसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं वो कितना गहरा और गंभीर, सब छूट गया बीच में बाहर के लोग। आपसे कभी पूछूं कि दुनिया में सभी धर्म संस्कृतियां दावा करती हैं कि हमारे पास बिल्कुल अलग विचार है, हमने बड़ा अच्छा विचार दिया है, अगर हम आपसे पूछें कि हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं, बहुत से लोग कहेंगे साहब उसमें बड़ा सदाचरण की बात कही गई, नैतिकता की बात कही गई। तो लोग कहेंगे ठीक है भाई, दूसरी जगह भी कही गई, शायद कोई फॉलो करता या नहीं करता। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि वो चीज बताइए जो हमारे यहां लिखी और दूसरी जगह लिखी ही नहीं, वो क्या है? आप सबने नाम सुना होगा वैदिक मैथमेटिक्स। हैव यू एवर हर्ड ऑफ मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट? ये सिर्फ हमारे यहां गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है, आयुर्वेद मेडिकल साइंस, इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एज ए स्ट्रक्चर्ड मेडिकल साइंस, बाई नेम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ वेदास। मेडिकल साइंस धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, गणित धर्म ग्रंथ का हिस्सा हो, ये दुनिया में कहीं नहीं। बाकी जगह विज्ञान और गणित का धर्म से संघर्ष है, हमारे यहां वो धर्म ग्रंथ से उद्भूत हो रहे हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे और उनके बीच। कमाल का वीडियो था यार। रियलाइजेशन होती है ऐसे कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो वेदास में जो लिखा है इतना एडवांस्ड है, और ये नौबत आगे कि हमें वो समझ ही नहीं आते अब कहां हम कहां। आप जब स्कूल में जाते हैं, कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट था वेदास का, क्यों नहीं था? वही तो कह रही हूं, सदियों से जो इतनी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की हुई है वैदिक जो पूरी है, उसमें आप एक क्लास कर देते कि वैदिक आपको स्टडी सिखा रहे हैं, वैदिक मैथ भी कहां सिखाते हैं, कुछ भी। आप ये बोलते हैं कि जितने भी वेदास हैं उसका एक आप मैंडेटरी मत करिए, आप ऑप्शनल ही कर दीजिए पहले, कि ऑप्शनल है भाई उनमें से तुम एक ऑप्शन है, उनमें से तुम ये चार चीजें ले सकते हो, उसमें से एक वेदा कर दो यार, लोग वैदिक उस स्कूल में ही सीख लें, राइट। और उसके बाद हुआ यह था कि
इंडियन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया मार काट में, ज़्यादा फोकस किया नॉलेज में, अंदर से आप कैसे भगवान को अचीव करें, मेडिटेट करें, इन सब ज्ञान में। उसके बाद एग्रेसर्स ने आना शुरू कर दिया, जब देखा कि यहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत खुशहाली है, एग्रेसर्स आए। उसके बाद 1000 साल तक जब आप किसी के अंडर हैं तो अपनी चीज़ों को आप आगे नहीं लेके जा सके, तब तक यूरोपियंस ने कैचअप कर लिया। जहाँ पे आपकी लीड थी 1000 साल में, आपकी लीड तो पूरी ख़त्म हो गई, वो आपको बैंक्रप्ट करके चले गए दूसरी कंट्रीज में। उन्होंने तब तक बहुत कुछ अपना स्टडी करके साइंस नाम की चीज़ निकाल दी। नहीं पर मैं तो मुझे वो भी बहुत सरप्राइजिंग लगा कि जीरो जीरो कहते हैं आर्यभट्ट ने किया है, वो ये बता रहे हैं कि वो तो उससे पहले का ही है, रामचंद्र जी के टाइम। धीरे धीरे जो है पूरी गवर्नमेंट को कोशिश करनी पड़ेगी कि वेदास को भी लेके आए इन द स्कूल। ओ यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके इस टाइप के वीडियोस और जाके लोगों को में ये ऐसी बातें करके अवेयरनेस लाना इज जस्ट फैंटास्टिक। राइट, वो बोले कि आपको संस्कृत, क्योंकि वेदा संस्कृत में, तो मतलब तो ये बोलेंगे आपको संस्कृत में ही वेदा सिखाएंगे, और ऐसा कुछ करना चाहिए कि बहुत ही करिकुलम ऐसा बनाएं कि लोगों को बहुत बेनिफिट हो जो संस्कृत लें। ऐसा होना चाहिए, संस्कृत लेंगे तो आपको ये होगा वो होगा, ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए कि हर को बोले यार संस्कृत में बहुत बेनिफिट है, वो लेना जरूरी है, तब आप वेदास भी सीख सकते हैं। कितना कुछ बता दिए इन्होंने, मैं तो हैरान हो रही थी कि अर्थ का पार्ट इन्होंने कहा कि टूटा होगा और उससे वो मून बना होगा, एक ये भी था, मतलब इतना कमाल कमाल की चीज़ है जो हमको पहले से ही उसमें लिखी हुई है, जो ये अब सोच रहे हैं कि ये भी वो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, और वो सब चीज़ें। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग कि हमारी मतलब हमें अपनी ग्रेटनेस ही नहीं पता जी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।